कुर्था थाने की पुलिस के द्वारा ALTF के सहयोग से अवैध शराब के विरुद्ध कुर्था थाना क्षेत्र के ग्राम कुर्था बाला मुसहरी, ग्राम पैनाठी एवं ग्राम मुसहारी में छापेमारी अभियान चलाया गया है, जिसमें हजारों लीटर जावा महुआ विनष्ट किया गया। कुर्था थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उक्त बातों की जानकारी देते हुए अरवल पुलिस अधीक्षक मोहम्मद कासिम ने बताया कि ग्राम कुर्था बाला मुसहरी से 5 लीटर देशी महुआ शराब के साथ जितेंद्र मांझी उम्र करीब 33 वर्ष, पिता विशुनधारी मांझी कुर्था बाला जिला अरवल को गिरफ्तार किया गया है। तत्पश्चात ग्राम पैनाठी में छापेमारी की गई, जिसमें हजारों लीटर जावा महुआ विनष्ट किया गया और उपेंद्र मांझी के घर से करीब 8 लीटर देशी महुआ शराब बरामद किया गया है। उपेंद्र मांझी घर से फरार पाए गए, जिन्हें विशेष छापेमारी टीम द्वारा रात में छापेमारी कर इनके घर से गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद ग्राम मुसहारी से छापेमारी की गई तो संतोष मांझी, जितेंद्र मांझी एवं बढ़न मांझी के घर से 4-4 लीटर देशी महुआ शराब बरामद किया गया। तीनों व्यक्ति छापेमारी के क्रम में घर से फरार हो गए थे, जिन्हें विशेष छापेमारी टीम द्वारा छापेमारी कर रात में 2 अभियुक्त जितेंद्र मांझी एवं बढ़न मांझी को गिरफ्तार किया गया है। जिला में विदेशी और देशी शराब के विरुद्ध छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लगातार लोगों की गिरफ्तारी हो रही है और जो लोग भी शराब बनाते हैं उनकी भी गिरफ्तारी हो रही है। इसी क्रम में कल फिर इंस्पेक्टर साहब उमाशंकर जी और थाना अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार प्लस विकास जितने भी टीम के लोग सबके द्वारा छापेमारी की गई है और छापेमारी के क्रम में 25 लीटर शराब देसी शराब बरामद हुआ है। बाला मुसहरी में रेड किया गया था, इसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी है और इस तरह से 4 लोग बनाने वाले थे, इसमें एक उपेंद्र है जिनका 302 केस का आपराधिक इतिहास। इस तरह से मार बाड़ इन लोगों को कहा जा रहा है कि शराब अब जो बना रहे हैं, क्योंकि शराब सरकार के द्वारा कानूनी रूप से इसको बंद किया गया है और तब भी अवैध शराब बेचते हैं और बनाते हैं। इस तरह से लगातार ये लोग जेल भी जा रहे हैं, फिर वहाँ से छूटते हैं, फिर बेल टूटता है, फिर जेल जाते हैं। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, लाखों रुपया सरकार देती है और इस पेशा को छोड़ें। आप लोग के माध्यम से लोगों को, इन लोग भी सुन रहे हैं, इन लोग को जागरूक करना चाहते हैं कि आप लोग इस पेशा को छोड़ें, ये खराब धंधा है, इससे किसी का आदमी की मृत्यु भी हो सकती है, फिर आप 302 के मुजरिम बन जाएंगे, क्योंकि आप शराब बनाते हैं जिसमें कुछ ऐसा मटेरियल डाल देंगे जिससे कोई ह्यूमन लॉस भी हो सकता है। इसलिए देसी शराब में ये लोग बनाते हैं, इन लोगों की भी लगातार कार्रवाई की जाएगी। पहले भी जेल भेजा जा रहा है, पहले भी गया है, अभी भेजी जा रही है। इस तरह से ये लोग को आप लोग के अपने अखबार के माध्यम से जितने भी कुर्था या अरवल के लोग हैं उनको कही सूचना मिले कि भाई दूसरी जिंदगी जिए, शराब को छोड़ दें, इस धंधे को छोड़ दें। क्षणिक लाभ के चलते ये धंधा करते हैं और इससे एक इंसान की जिंदगी भी बर्बाद होती है, इनकी भी जिंदगी बर्बाद होती है। और दूसरा ये